दिल्ली के साउथ पटेल नगर में सीक्रेट गोदाम और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगभग 85 लाख के माल पर चोरों ने किया हाथ साफ। सिगरेट डिस्ट्रीब्यूटर के यहां से चोरों ने 71 लाख की सिगरेट समेत 6 लाख कैश उड़ा ले गए। चोर जाते जाते दोनों जगहों के सीसीटीवी कैमरे डैमेज करते हुए उसका डीवीआर भी ले गए। मेलब्रो सिगरेट है, उसका स्टॉक था, वो आया था फ्राइडे को, सैटरडे को हमें, वो भी गया था। कुछ स्टॉक पहले दिन का था, वो भी गया था। और सैटरडे को, क्योंकि बैंक बंद है, सैटरडे कलेक्शन भी हमारे यहीं पर ही थी। उसके साथ एक वाशिंग मशीन थी, वो वाशिंग मशीन भी ले गए। मतलब उनके पास काफी टाइम था गोदाम में सफाई करने के लिए। मार्लबोरो सिगरेट के डिस्ट्रीब्यूटर विकास बजाज को चोरों ने बीती रात एक ही झटके में 77 लाख का चूना लगा दिया। इतना ही नहीं, चोरी की वारदात पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के कुछ कदम की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भी हुई, जहां चोरों ने डबल शटर को काटकर शोरूम से 35 LCD और स्मार्ट टीवी पर हाथ साफ किया। सुबह शोरूम पे खोलने आया तो 11:30 बजे, जब 11 बजे के करीब लड़का आया तब तो देखा तो बाहर का शटर टूटा हुआ था। जैसे फिर अंदर का शटर तो अंदर शटर पे पूरा होल करके वो तो उन्होंने मतलब फिर देखा कि सारे LED दुकान के अंदर के गायब है। 1-2 वाली 18 या 20 LED जो डिस्प्ले लगे हुए थे और 15-16 LED जो अपने पैक पड़े हुए थे पीछे, जो रूटीन में पड़े रहते हैं यहाँ पे, तो जी 33-34 LED के आसपास के करीब। एक ही रात में दो दो चोरी के वारदात से इलाके के लोग और कारोबारी में काफी दहशत पैदा हो गई है, क्योंकि चोर बेखौफ होकर जिस तरह से वारदात को अंजाम दे रहे हैं उससे लगता है कि पुलिस प्रशासन का खौफ उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली से आनंद कुमार के साथ राशि शर्मा की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।